कभी भी ये सोच के काम नहीं किया कि चुनाव आएंगे तो ही मुझे काम करना है, या चुनाव अभी नहीं हो रहे तो मैं अपने घर में बैठ जाऊं और चुनाव आए जब मैं बाहर निकलूं, ऐसा नहीं है। तो बीजेपी मेरे लिए एक पार्टी नहीं है, वो मेरा एक घर का सदस्य है, मेरी माँ के बराबर है। भाजपा के अलावा मैं कभी ना किसी और पार्टी के बारे में सोचता, ना कभी सोचूंगा और ना कभी जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से जो गाइडलाइन धीरे धीरे आ रही है तो उससे कहीं ना कहीं पार्षद उम्मीदवारों को, दावेदारों को एक ऊर्जा मिल रही है कि अब जो है चुनाव आएंगे, जो जनता के लिए इतने लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, शायद उस जनता के लिए और भी बेहतर कर पाए, तो उसके लिए चुनावों का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे में वायरल सच लगातार प्रयास करता है कि चुनावों से रिलेटेड, उम्मीदवारों से रिलेटेड आपसे बार बार गुफ्तगू की जाए, आपसे चर्चा की जाए और उन सभी दावेदारों को जो है आपके सामने लेकर आया जाए, ताकि क्या उनके विचार है, क्या एजेंडा है, क्या सोच लेकर चल रहे हैं, ताकि आप लोग बेहतर निर्णय कर सके अपने वार्ड को लेकर। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं आशीष गुप्ता जी, जो कि संभावित वार्ड 27 से भावी पार्षद उम्मीदवार है और साथ साथ है जो अभी दायित्व संभाल रहे हैं वो शीतला मंडल के महामंत्री है बीजेपी से। तो चलिए बात करते हैं आशीष गुप्ता जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, पहले तो बहुत लंबा टेन्योर हो गया वेट करते करते, तो फाइनली जो है चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कहते हैं कि तैयारी पूरी जोर शोर से है? देखिए, चुनाव जैसे आने वाले हैं, सरकार ने भी ये कहा कि हम 4 फरवरी से पहले चुनाव करवा देंगे। जी जी। तो उसको देख के हमारी तैयारी पूरी है। पिछले 3.5 साल से मैं अपने वार्ड में काम कर रहा हूँ। जी जी। और भाजपा का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो 24/7 काम करता है। जी। तो हमेशा चुनावी बोर्ड में रहता है। जी। और मैंने अपने वार्ड में पिछले 3.5 साल में काफी काम किए हैं और कभी भी ये सोच के काम नहीं किया कि चुनाव आएंगे तो ही मुझे काम करना है, या चुनाव अभी नहीं हो रहे तो मैं अपने घर में बैठ जाऊं और चुनाव आए जब मैं बाहर निकलूं। जी जी। ऐसा नहीं है। मैंने लगातार 3.5 साल से जमीनी स्तर पे काम की है, वार्ड के लोगों की समस्या सुनी है, उनको सुलझाने की कोशिश की है और पूरे एक्टिव मोड पे मैं हमेशा 3.5 साल में रहा हूं। और बीजेपी ही क्यों आपने चुनी है? क्योंकि ऐसा भी है कि और भी पार्टियां हैं, तो ऐसे में भाजपा से ही टिकट की उम्मीद क्यों लगाई जा रही है आपके द्वारा? बीजेपी जैसे हम मानते हैं भाई, सबका एक अपने बड़ों का एक आदर होता है, मान सम्मान होता है। तो बीजेपी मेरे लिए एक पार्टी नहीं है, वो मेरा एक घर का सदस्य है, मेरी माँ के बराबर है। क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है, मेरे ताऊजी श्री ईश्वर दयाल गुप्ता ईश्वर के, जो अब हमारे बीच में नहीं है, वो जनसंघ टाइम से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जब अच्छा। वो जनसंघ में थे, 77 का भी चुनाव उन्होंने लड़वाया है। अच्छा। और उसके बाद से ही लगातार वो भाजपा के अंदर रहे हैं और भाजपा को उन्होंने एक मजबूत कड़ी के नाते काम करके आगे बढ़ाया है। जी। तो मेरे आप कह सकते हैं कि रगों में एक तरह से भाजपा का प्रॉपर खून है कि भाई मैं भाजपा से अलग कभी जा ही नहीं सकता और कभी सोच भी नहीं सकता कि भाजपा से मेरे को अलग होके कोई काम करना है या भाजपा के अलग होके कुछ करके दिखाना है, ऐसा नहीं है। भाजपा के अलावा मैं कभी ना किसी और पार्टी के बारे में सोचता, ना कभी सोचूंगा और ना कभी जाऊंगा। भाजपा की ही बात करें, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने और सक्रिय कार्यकर्ता होने में बहुत फर्क होता है, तो ऐसे में चुनाव भी आए, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो क्या भागीदारी रही है कि पार्टी आपके बारे में सोचे? देखिए, जब पीछे चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो हमारे सांसद साहब श्री राविंदर जी के लिए हमने काफी काम किया और मंडल महामंत्री होने के नाते अपने मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो भी जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी, जी जी। मैंने बखूबी उनको पूरा किया। साथ ही यहाँ तक कि भी जो हमारे बूथ थे उस टाइम, हमारे 86 बूथ थे राव साहब के उसमें, जी जी। तो वो बूथ सारे के सारे हमने संभाले, पूरी टीम तैयार करना, हर बूथ को चेक करना, हर बूथ पे जाना, और हमने प्रॉपर एक 5 से 10 सदस्यों की टीम अलग से वहां पे हमने लगाई। जी। और उसके बाद हमारे MLA के चुनाव आए, जिसमें मंडल महामंत्री के रूप में ही मैंने फिर से काम किया और जो भी मेरे जिम्मेवारी मिली वो मैंने बखूबी पूरी करी है। उसके बीच में 97 बूथ हमारे हो गए थे, उस बीच में हमारे 10 बूथ बेसिकली देखा जाए तो 11 बूथ हमारे बढ़ गए थे। जी। और ये समय वो था कि जब लोगों ने भाजपा को थोड़ा बहुत मतलब ये करा कि शायद नहीं आएगी, मगर हम खड़े रहे, अड़े रहे कि भाई भाजपा के अलावा कोई नहीं और भाजपा सरकार बनाएगी, वही हमारे यहाँ पे हुआ। मुकेश भाई एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, बहुत अच्छी वोट लेके गए और ये सब हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने रात रात में अपनी पूरी टीम बनाई, हर बूथ पे 10 सदस्यों की टीम हमने तैयार करके दी। मुकेश भाई साहब का हमारे को पूरा सहयोग था, उन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना भरोसा हम पे रखा। सबसे बड़ी बात की जो कैंडिडेट होता है ना, उसका भरोसा अपने कार्यकर्ताओं पे होना चाहिए, जी। जो कि उन्होंने पूरा भरोसा हमारे ऊपर रखा जी। और हमारे 97 बूथ में से एक भी बूथ ऐसा नहीं जिसमें हम हारे हों,
97 के 97 बूथों पे हम भाजपा से जीत के आए हैं। और वैश्य समाज की अगर बात करें, आपके वार्ड को एक विशेष स्थान या कहे कि वैश्य समाज के लोगों को ही वहां से टिकट मिलती है, तो क्या लगता है कि पार्टी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी कि आपका जो वार्ड है उसी के लिए सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, मेरा इसमें ये मानना है कि जैसे हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि 36 वार्ड हमारे MCG में इस टाइम हो चुके हैं, तो 36 वार्ड में से जो एक वार्ड है, वार्ड नंबर जिसको हम 27 कह रहे हैं और इसको हम बेसिकली सदर बाजार का वार्ड कहते हैं जी, तो ये व्यापारियों के देख के वार्ड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या वैश्य समाज की है, सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे वैश्य समाज के, उसके बाद अदर समाज की वोटें हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा एक संगठन जो है, मतलब एक रीति नीति पे चलता है, उनको पता है कि भाई यहाँ पे वैश्य समाज की बहुसंख्या है और वैश्य समाज शुरू से ही भाजपा के साथ जुड़ के चला है जी, हर रूप में उन्होंने भाजपा का साथ दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये रीति नीति अपनाएंगे और इस वार्ड से वो वैश्य समाज को ही टिकट देने का काम करेंगे। आशीष जी, आपने बताया कि 3.5 साल से लगातार आप सक्रिय हैं अपने वार्ड में, तो क्या मानते हैं, क्योंकि आपकी शायद रिहायश भी वहीं पर ही है, तो क्या मानेंगे कि वहां पर जो लोगों की समस्याएं हैं या फिर उनको क्या चाहिए, क्या आप अच्छे से एनालिसिस कर पाए हो, क्या एजेंडा क्या लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, 3.5 साल से मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ और मैं मतलब पैदा भी यही हूँ और मैं यही बड़ा पड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ की सारी समस्याएं बताएं। जो हमारा शहर है वो तेजी से आगे बढ़ा है जी जी, जब यहाँ पे बाजार के आसपास कुछ भी नहीं बसा हुआ था, मैं तब से ये एनालाइज कर रहा हूँ कि भी जैसे जैसे हमारा शहर बढ़ रहा है जी, तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं कहते हैं जैसे सीवर पानी, तो वो आज से 30 साल पहले लाइनें डली हैं और उसके बाद से वो लाइनें वो ही चल रही है, कोई नई लाइन अभी डलने का काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनमें लीकेज वगैरह, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कूड़ा फंसना, ये चीजें बहुत नॉर्मल है। फिर आबादी के हिसाब से बड़ी है जी जी, पहले एक घर में 10 मेंबर रहते थे और आज उसी घर में कम से कम 50 मेंबर रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह बन गए हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए मेरा सबसे पहला मोटिव यही है कि जब जैसे भी मुझे संगठन आदेश करेगा, मुझे अगर पार्षद के लिए टिकट मिलती है और मैं लड़के पार्षद के रूम में आकर अपने समाज के सामने आता हूँ, तो सबसे पहले मेरा ये है कि भाई जितनी भी हमारी पाइपलाइन है जी, सीवर लाइन है, इनको सबसे पहले दुरुस्त करा जाए। तो इस वजह से मेरी कोशिश यह है कि भाई जितनी भी हमारी लाइनें हैं, चाहे वो सीवर की हो चाहे पानी की हो जी, जो भी हमारी ये मूलभूत सुविधा वाली थोड़ी बहुत समस्याएं, इसको हम बिल्कुल दुरुस्त करेंगे और इसको नई लाइन डलनी होगी तो नई लाइन डलवा के या जैसे भी है इसको हम करवाएंगे काम को। और साथ ही साथ आपका वार्ड, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि व्यापारियों को लेकर ज्यादा जो है वहां पर सदर बाजार का एक वार्ड कहा जाता है, तो व्यापारियों के लिए क्या आपको दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वार्ड जो है सदर बाजार के नाम से ही काउंट होता है, तो व्यापारियों की भी कुछ समस्याएं होंगी या और बेहतर कैसे कर सकते हैं बाजार को, तो उसके लिए भी कुछ सोच है आपकी? उसके लिए अभी पीछे हमारे माननीय विधायक श्री मुकेश शर्मा जी के साथ भी हमारी बात हुई थी जी, और उसमें बाजार के अंदर आपने पीछे देखा भी होगा कुछ समय से एग्रोजमेंट का काम हमने चलवा रखा है जिसमें कि काफी हद तक सुधार है जी जी जी, और आने वाले समय में मेरी पूर्ण उनसे रूप से बात चल रही है कि भाई जितने भी बाजार है उस बाजार में CCTV कैमरे वगैरह हम लगवाए जिससे कि वहां पे जो भी लेडीज आती है, महिलाएं आती है, हमारी बहने आती है, उनको दिक्कत ना आए जी। तो इसको देख के भी एक हमारा नया अभी पीछे भी बात करी थी, तो हमने कमिश्नर साहब से मिलके जी जी वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया है कि पूरे बाजार में और जो अपने वार्ड 27 का एरिया जितना भी जी, उसमें हमने स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने की बात करी है जी जी। तो उन्होंने वो एक्सचेंज साहब से भी बात करी है और उस पर काम भी चल रहा है। आने वाले समय में पूरे वार्ड में जहां जहां लाइट की जरूरत है वो भी हम लगवाएंगे। और सबसे मेन जो हमारा है कि एक हमारा पोस्ट ऑफिस चौक और एक सोना चौक जी जी, इन दोनों पे एंट्री हमारी बंद है जी जी, तो इन एंट्री के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ काम करेंगे जिससे कि वहाँ पे पब्लिक आराम से आ सके, गाड़ियाँ जो भी पार्क होनी है आराम से पार्किंग तक जा सके। और पीछे हमारे MLA साहब ने खुद अपने पर्सनल खर्चे से ई रिक्शा लगाने की भी बात करी है जी, तो जी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने मतलब MLA बनने के बाद भी इतना मतलब आगे बढ़ के कदम उठा के ये कहा कि हम आपके लिए ई रिक्शा अपने पर्सनल खर्चे से लगाएंगे। तो ऐसे MLA मुझे नहीं लगता कि मिलना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल से ऐसे MLA मिलते हैं। तो ये हमारी बाजार को लेके पूरी रणनीति है कि हम बाजार को एक दिल्ली के जैसे आपने देखा होगा चांदनी चौक, वो पहले कितना व्यस्त बाजार होता जी, था जी, जी। मगर आज आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा बाजार है और बहुत मतलब आसानी से लोग चल सकते हैं। तो ऐसे ही हम बाजार को लेके चल रहे हैं। आने वाले समय में MLA साहब के साथ मिलके और बाजार के व्यापारियों को साथ लेके हम इस बाजार को एक अच्छे रूप में लेके आएंगे और जैसे दिल्ली का बाजार है उसको वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे।
अंत में क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को जो लगातार आपको इस सेवा करते हुए भी देख रहे हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं अपने वार्ड वासियों से सिर्फ एक आग्रह करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि पिछले 3.5 साल से मैं जमीनी स्तर पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी पैदाइश भी आपके इलाके की है, मैं यहीं रहता हूँ, मेरा जैकमपुरा में ही घर है, मेरी सदर बाजार में दुकान है, पिछले 75 साल से हमारा परिवार यहीं रह रहा है और मेरी सिर्फ आपसे यही आग्रह है कि आने वाले समय में आप सब मुझे साथ दें, आपका साथ मिलेगा तो मैं आप सबकी प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और 99.9% मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूंगा 5 सालों के अंदर और आप सबके आश्वास से मैं पार्षद के रूप में आपका भाई आपका बेटा बन के रहूंगा 24/7। मेरा फोन और मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कभी भी आए मैं हमेशा आपको अवेलेबल मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशीष गुप्ता जी जो कि संभावित वार्ड 27 से भावित पार्षद के उम्मीदवार हैं। बीजेपी बहुत सोच समझ कर टिकट देती है, कितने लंबे समय से वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या क्या संगठन के लिए किया है, किस तरीके से चुनावों में उन्होंने साथ दिया है, हर चीज जो है हर मापदंड जो है बीजेपी के द्वारा देखा जाता है। इसी प्रकार जो है लगातार आपके सामने आपके रूबरू लाते रहेंगे उन्हीं पार्षद के दावेदारों को ताकि आप बेहतर समझ सके कि उनका एजेंडा क्या है। जिस तरीके से आशीष जी ने बताया कि व्यापारियों के लिए क्या सोच है, उनकी आम जनता के लिए क्या सोच है उनकी, ताकि आप बेहतर निर्णय ले सके कि क्या आप सही पार्षद चुन रहे हैं या नहीं। लगातार ये प्रयास जारी रहेगा, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।